हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुजान सिंह, स्वागत है आपका अल्चान विलाक्स में। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पे आपने कई बार यहाँ से गुजरे होंगे और कई बार आपने यहाँ पे ज़रूर रुके होंगे। और क्योंकि ये जगह जो फेमस जगह है वो है जुहा टंडल से नीचे शैतानी नाला। हर कोई टूरिस्ट, हर कोई मुसाफिर यहाँ पर ज़रूर रुकता है और रुकने के बाद यहाँ पर चाय पानी का सेवन करता है और उसके बाद आगे का सफ़र तय करता है। तो आज मैं आपको कुछ व्यूज़ दिखाऊंगा, वो हैं शैतानी नाले के। और शैतानी नाले के व्यूज़ क्या हैं और कुछ चंद हफ्तों के बाद या चंद दिनों के बाद हम इस शैतानी नाला जो है, जहाँ पे हम स्टे करते थे, जहाँ पे रुक के हम चाय पानी पीते थे या फ्रेश होते थे, वो हम शायद अलविदा कहने वाले हैं। तो उसी के ऊपर आज छोटा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं आगे का वीडियो शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, ये हैं शैतानी नाले के व्यूज़, जहाँ पे एक इसका सबसे मेन कारण है यहाँ पे रुकने का कि यहाँ के पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा खुली जगह है और लोग यहाँ पे रुकना पसंद करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ की जो खासियत है वो पानी बहुत ज़्यादा है। हर जगह आपको पानी मिलेगा, हर जगह आप रुक के फ्रेश हो सकते हो, कुछ लाइट ब्रेकफास्ट या लाइट कुछ भी ले सकते हो। और ये छोटी छोटी दुकानें जो हैं, एक यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट का, उसके हमकी 60 से 70 दुकानें जो यहाँ पे छोटी छोटी लगी हुई हैं। और एक यूनिक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो हिंदू का ये जो दुकानें, ये 24 आवर खुली रहते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। छोटी छोटी दुकानें मगर रात दिन काम करती हैं और नेशनल हाईवे को या मुसाफिरों के लिए ये हर चीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। तो अगर रोड की बात की जाए, अगर इस पे रोड की बात करेंगे तो रोड यहाँ से वही पुराना रोड है, आप देख रहे होंगे व्यूज़ में भी यही पुराना रोड है। और यहाँ से ठीक कोई 1 या 1.5 किलोमीटर आगे जुहा टंडल पड़ता है। तो शैतानी नाले की अपनी खासियत है, ये जो ज़मीनें हैं ये बनिहाल वालों की है और यहाँ पे बहुत जम्मू से लोग या उधमपुर से लोग या बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे ये दुकानें लेके काम करते हैं। और काम करने का रीज़न ये भी है कि ये 24 आवर खुली रहती है और हर कोई, चाहे ट्रक वाला हो, बस वाला हो, लाइट व्हीकल हो, पर्सनल गाड़ी हो, हर कोई यहाँ पे रुकता है। क्यों? सबसे मेन जो रीज़न है यहाँ का, मुझे लगा जो वहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी है, खुली पार्किंग है, आप कहीं भी गाड़ी पार्क करके आराम से बैठ सकते हो, चाय वगैरह पानी का सेवन कर सकते हो। और कुछ व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, आप ऊपर वाले हिल्स देखोगे, ये जुहा टंडल के बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर पीछे के हैं, ये ऊपर वाले हिल्स देखोगे तो देखने में भी अच्छा लगता है। और ये तो है सर्दियों की बात, गर्मियों की बात, अगर सर्दियों में आप यहाँ पे आओगे तो सर्दियों में यहाँ आप टिक नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, क्योंकि ये हाइट पे पड़ता है और हाइट पे पड़ने के कारण इसका बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो तब भी यहाँ पे काम होते हैं। बट मेरा आपको ये मकसद है दिखाना कि आखिरकार कुछ चंद महीनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद हम इस शैतानी नाले को, मुझे लगता है हर ट्रैवलर, हर गाड़ी वाला इसको छोड़े भूल जाएगा धीरे धीरे करके। क्यों? कि जब काजीकुंड टू बनिहाल या बनिहाल टू काजीकुंड टंडल खुल जाएगा तो टनल खुलने के बाद यहाँ इस रास्ते पे कोई नहीं आएगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करना चाहिए और शूट इसलिए करना चाहिए कि कुछ यादें ज़रूर रहती हैं और पता भी चलता है कि आखिरकार शैतानी नाली एक अच्छी जगह थी और वहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक रुकती थी और ट्रैफिक का रुकना, यहाँ पे इनका बिज़नेस चलना एक वो भी इत्तेफाक था। अगर लोग ही नहीं आएंगे तो दुकानें कहाँ चलेंगे, अगर दुकानें नहीं चलेंगे तो लोगों के रोज़गार, उनके घर कैसे चलेंगे। तो लोगों के साथ ही हर चीज़ जुड़ी होती है, जितना लोग ट्रैवल करेंगे कि रुकेंगे तो उतना सब दुकानदारों का या हर एक आदमी का बिज़नेस चलेगा। तो ये तो कुछ जो मुझे लगे कि आप लोगों को दिखाने चाहिए। और बाकी रोड की बात की जाए तो रोड वैसे ही पुराना ही है और आने वाले टाइम में क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि नाश्ती टनल जब खुला तो वहाँ से अगर इस रोड पे गाड़ियाँ चलेंगी तो वो गैस की गाड़ियाँ चलेंगी, जो एलपीजी या कोई और जो डेंजरस जोन में आती हैं, कि कुछ ऐसा अगर टनल के अंदर हो जाता है तो कुछ गड़बड़ ना हो। तो मुझे लगता है वही एंड में गैस की गाड़ियाँ ही इस रोड पर चलेंगी और टैक्सी टुक्सी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें इससे अलविदा करना। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्पेशल व्यू जो मैंने आपको शैतानी नाले के दिखाए और वहाँ की पार्किंग और सारी डिस्कशन में आज इस वीडियो में आपके साथ की। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद करोगे, अगर पसंद करोगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि आने वाले टाइम में जो भी मेरी अपडेट वीडियो आपके पास फर्स्टली पहुँच जाएगी और आप अपडेट रहेंगे। कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी बन रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप भाई मुझे बता सकते हैं, हो सकता है मैं आपके
इस चीज़ को, इन गलतियों को सुधार सकता हूँ। तो तब तक दीजिए इजाज़त और मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में। शुक्रिया।